हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कुछ पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा समय पर ही हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया गया था। इसी के चलते आज उपमंडल डलहौजी के अंतर्गत आने वाले बनीखेत बाजार में चंबा पुलिस के जवानों द्वारा लोगों की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वे गाड़ियों की परमिशन देख रहे हैं और साथ ही डीएसपी डलहौजी रोहिन डोगरा ने बताया कि इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 30 वाहनों के चलान किए गए हैं और बिना मास्क पहनने वालों के 10 के करीब चलान किए गए हैं। सर, आप आज क्या क्या संदेश बनीखेत में देना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बाजार में जितने भी लोग आ रहे हैं वो कर्फ्यू रिलैक्सेशन की जितनी भी कंडीशंस हैं उनका स्ट्रिक्टली से अनुपालन करें, क्योंकि अगर वो अनुपालन नहीं करेंगे और किसी भी कंडीशन का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और दूसरा, मैं ये भी चाहता हूँ कि अपने साथ साथ बाकी लोगों की सेहत का भी ध्यान रखें। डलहौजी से सुभाष महाजन की रिपोर्ट, लाइव अमृतसर। शंकर मालीराम केडिया जी ने और एकी फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है। लाइव अमृतसर को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।